टाइम्स। आज मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, मेरे साथ में रजा एकेडमी के लोग हैं साथ में, और इस रमज़ान पाक महीने में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना महामारी का संकट जो हमारे देश में मंडरा रहा है, जहाँ पर सरकार ने अपनी गाइडलाइंस दी है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और जितने भी मतलब धार्मिक स्थल है उनको बंद रखने के जो आदेश दिए, उसको निर्देश को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। वैसे रजा एकेडमी ने भी सोशल वर्क हमेशा करती है। भिवंडी शहर में भी हमने देखा कि कई सालों से 32 साल से यहाँ पर लगातार अपना सोशल वर्क भी करती है, और धर्म से हर जुड़ी बात को लेकर वो हमेशा अपने चर्चे में रहती है। लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो काबिले तारीफ है। भिवंडी शहर की जितनी भी मस्जिदें हैं या मस्जिदों में काम करने वाले लोग हैं, मौलाना हैं जो इमाम साहब हैं, या सफाई करने वाले लोग हैं, या मस्जिद की देख रेख करने वाले हैं, उलमाए हैं, और जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको रिलीफ देने का काम वो कर रहे हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि रजा एकेडमी की जो सरजील भाई हमारे साथ में है, कि सरजील भाई जो आपने ये कार्य जो शुरू किया है, इसमें आप जरा बताएंगे कि किस तरह की आप रिलीफ दे रहे हैं, और ये पाक रमज़ान महीना चालू है, इस रमज़ान महीने में जिस तरह के हर लोगों को ज़रूरत रहती है, रजा एकेडमी हमेशा आगे दिखी है हमें, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में हम ये उलमाए किराम, आइम्मे मसाजिद और मस्जिद के मौज़िन और मस्जिद के जो स्टाफ है, तो उन लोगों के दरमियान रमज़ान की राशन की तकसीम कर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन का माहौल है। और अल्हम्दुलिल्लाह रजा एकेडमी के ज़रिए तमाम पिछले साल भी ये उलमा के लिए मतलब किया गया था, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मिल्लत असीर उर्दू मुफ्ती आज़म रजा एकेडमी के जो बानी और चीफ हैं अनाज सईद उदी साहब ने यहाँ पर उलमा इकराम के लिए जो राशन किट भेजी है, यहाँ पर ये सब तकसीम किया जा रहा है, ताकि उलमा इकराम की हम इस तरह से खिदमत कर सकें। जो उलमा इकराम बेलॉस मतलब दीन का काम करते हैं और अपने मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, जो हमारे इमाम हैं, उनके लिए कोई ज़्यादातर लोग पूछते नहीं हैं। आमतौर पे जो एनजीओ तंजीम दूसरे लोगों की मतलब मदद हो रही है, तो रजा एकेडमी का ये है कि मतलब गरीबों की मदद करने के साथ साथ उलमाए किराम को भी मतलब उनका ख्याल रख रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये कोशिश बहुत फरमाए। जैसे कि हमने भिवंडी शहर में भी देखा कि रजा एकेडमी को जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी लोग मानने वाले, हमेशा धर्म के मामले में रहे या ऐसी कोई भी बात रहे, धर्म से जुड़ी हुई बात रहे, रजा एकेडमी फ्रंट पे रहती है, हमेशा आगे की तरफ रहती है। तो इस कोरोना काल में हमने देखा रजा एकेडमी जो काम कर रही है, आपका क्या मानना, किस तरह का और देश में काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर भी ज़रूरत पेश आती है, जैसे जो भी मामला पिछले साल भी लॉकडाउन था, उसमें भी ज़रूरत थी, वहाँ पर भी ये तमाम चीज़ें तकसीम की गई, और जहाँ जहाँ पे भी ऐसा मामला हुए, इससे पहले भी आप देखेंगे तो पानी की कमी जहाँ पेश आई थी, तो वहाँ पर रजा एकेडमी ने टेंकर पहुँचाए थे खानदेश एरिया जो था, फिर वो मतलब जहाँ पे सैलाब का मामला हुआ था, तो वहाँ बिहार वगैरह जो इलाके में सैलाब ज़्यादा थे, तो वहाँ पर भी रिलीफ पहुँचाई गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उससे पहले और भी आप देखेंगे कश्मीर के मामला में भी, वहाँ पर भी सैलाब ज़्यादा मामला था, वहाँ पर भी रिलीफ पहुँचाई गई थी। जहाँ पर भी इस तरह से ज़रूरत पड़ती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रजा एकेडमी सोशल वर्किंग में लोगों की मतलब इंसानियत के नाते लोगों की मदद करने के लिए हमेशा पेश पेश है। रजा एकेडमी का कहना है कुल मिलाकर कि देश में किसी भी तरह की आपदा आए या किसी भी तरह का संकट आए, रजा एकेडमी हमेशा फ्रंट पे रही है और फ्रंट पे रहेगी। भिवंडी से अमृत शर्मा।